अंकल, मेरे गांव में एक बैग पड़ा है, उसमें से टिक 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 की आवाज आ रही है। अच्छा, भाइयों, गांव में ये बैग मिला है, लगता है इसमें बम है। ऐसा है भाई, इसको हमको दो, इसको हम गांव से दूर लेके जाते हैं। भाई तू रहने दे, इसे मैं ले जाता हूँ। भाइयों तुम लोग रहन दो, तुम लोग का परिवार है। मेरा कोई परिवार नहीं, इसे मुझे ले जाने दो, और अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं, वैसे ही मैं ऊपर जाके अपनी माँ से मिल लूंगा। भारत माता से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी पाप दिल की आरज़ू। मेरे पापा कहाँ हैं? बेटा वो आपके पिता शहीद हो गए हैं, ये उनके निशाने के तौर पर रख लो। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन। जेंग जेंग देख रहा है इस पागल को, आर्मी की वर्दी पहनी खुद को आर्मी वाला समझ रहा है। भाई वो हमेशा से पागल नहीं था, शुरू में वो भी एक फौजी ही था, देश की रक्षा करते हुए उसकी ये हालत हो गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं नहीं हत्था हूँ, मुझे छोड़ दो। हेलो, हाँ सर, मैंने बॉर्डर पार करते हुए एक आतंकवादी को पकड़ा है, आप जल्दी से कुछ लोगों को भेज दीजिए। उसकी देशभक्ति तो देख, पागल होने के बावजूद भी उसने वर्दी नहीं उतारी। जेंग, जेंग। भाई सलूट है ऐसे जवानों को। वर्दी उतार इस फौजी की। बहुत बड़ा देशभक्त बनता था ना। देशभक्ति वर्दी से नहीं, दिल से होती है। चल चले। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। रुको, अब वहां जाने कोई मतलब नहीं, जब तक तुम नहीं। सर मेरा वहाँ उसे लेने जाना बेकार नहीं रहा, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे यकीन था दोस्त तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। मैं उसको तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसका मुझ पर और मेरी दोस्ती पर जो यकीन था मैंने उसे बचा लिया। बादलों में छिप गई मंजिल तो क्या। अरे फौजी साहब कहाँ चले? बस कारगिल की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या कारगिल तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, आप पैदल ही क्यों जा रहे हैं? अरे रास्ते में मेरी बस खराब हो गई और मुझे तुरंत वहाँ पर रिपोर्ट करना है। चलिए आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे पर आप तो उस साइड जा रहे थे ना। अरे कोई बात नहीं, आप बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भाई साहब आप कहाँ जा रहे थे? फौजी साहब मैं तो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था। लीजिए फौजी साहब, वो आ गया कारगिल। भाई साहब मुझे नहीं पता था कि आपने अपनी जॉब इंटरव्यू छोड़ के मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारा तो क्लियर है, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले। अच्छा चलता हूँ फौजी साहब। हेलो पापा, आते समय तिरंगा लेके आना, कल 26 जनवरी है, स्कूल में लगेगा। ठीक है बेटा मैं लेकर आता हूँ। क्या क्या करूँ मैं इसी 100 रुपए में? माँ बीमार है, उसके लिए दवा ले जाना है, बेटे को झंडा दिलाना है, कैसे होगा सब? भाई साहब ये लीजिए तिरंगा, 26 जनवरी की खुशी में हम लोग तिरंगा बांट रहे हैं, और इसको अपने घर पे जरूर लगवाइएगा। अरे इतने पैसे? हाँ छोटू। हाँ भैया, आपका बेटा हुआ है, आप जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यार अब मैं घर कैसे जाऊँ, सारे पैसे तो मैंने उस आदमी को दे दिए, क्या ही काम है इसका। भाई साहब आपका पर्स यहाँ पे गिर गया था। ठीक है भाई।